स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि हम आज ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जो आपको आज्ञा देने के लिए यूज़ करना पड़ता है। जब आप अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं, यूज़ करते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये सारे सेंटेंस जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, छोटे छोटे वर्ड होते हैं, इनको हम कैसे यूज़ करेंगे जिनमें हम आज्ञा के वाक्य देखने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टोटल 23 सेंटेंस देखेंगे जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं डेली जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है यहाँ ठहरो। जब आपको बोलना होगा यहाँ ठहरो तो क्या बोलेंगे, वेट हियर। यहाँ ठहरो, वेट हियर। इधर आओ, कम हियर। इधर आओ, कम हियर। उधर देखो, इधर देखो। इधर आओ और इधर देखो, तो लुक हियर। हियर मतलब होता है इधर और लुक मतलब देखना। हियर माने इधर, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो, लुक हियर। यह लो, यह लो, टेक इट। यह लो, अगर आपको बोलना है यह लो तो क्या बोलेंगे, टेक इट, यह लो। नेक्स्ट है पास आओ, क्या बोलेंगे, कम नियर। नियर मतलब होता है पास और कम मतलब आना। पास आओ, कम नियर। बाहर प्रतीक्षा करो, वेट आउटसाइड। बाहर प्रतीक्षा करो, वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना, आउटसाइड मतलब बाहर। क्या हो जाएगा, बाहर प्रतीक्षा करो, वेट आउटसाइड। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, तो क्या हो जाएगा, गो अप। गो मिस जाना, अप मिस ऊपर, गो अप, ऊपर जाओ। नीचे आओ, तो क्या हो जाएगा, गो डाउन। जैसे गो अप था वैसे गो डाउन, डाउन मतलब होता है नीचे, तो हो जाएगा गो डाउन मतलब नीचे जाओ। उतर जाओ, अगर बोलना है उतर जाओ तो क्या बोलेंगे, गेट ऑफ, गेट ऑफ, उतर जाओ। तैयार हो जाओ, बी रेडी, या फिर आप बोल सकते हैं गेट रेडी। बी रेडी या फिर गेट रेडी, तैयार हो जाने को हम क्या बोलेंगे, बी रेडी या फिर गेट रेडी। नेक्स्ट है चुप रहो, तो क्या बोलेंगे, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, चुप रहो। सावधान रहो, सावधान रहो, तो क्या बोलेंगे, बी केयरफुल, या फिर आप बोल सकते हैं बी क्यूरटियस। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है धीरे चलो, धीरे चलो, तो क्या बोलेंगे, गो स्लोली या फिर वॉक स्लोली। क्या बोलेंगे, गो स्लोली या फिर वॉक स्लोली, धीरे चलो। नेक्स्ट है तुरंत जाओ, तो क्या हो जाएगा, गो एट वंस, गो एट वंस, तुरंत जाओ। सीधे सीधे आओ, तो क्या हो जाएगा, सीधे जाओ, तो यहाँ पर गो स्ट्रेट, अगर यहाँ पर आओ होता तो कम स्ट्रेट हो जाता। सीधे आओ तो क्या हो जाएगा, कम स्ट्रेट, यहाँ पर आओ लिखा है तो यहाँ पर कम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम जाओ कर देंगे तो गो स्ट्रेट हो जाएगा। अगर जाओ बोलना है तो गो बोलेंगे, आओ बोलना है तो कम बोलेंगे। चले आओ या फिर निकल आओ, चले आओ या फिर निकल आओ, तो क्या बोलेंगे, गो अवे। चले जाओ या फिर निकल जाओ, गो अवे या फिर गेट आउट, गेट आउट, निकल जाओ। गेट आउट मतलब क्या हो जाएगा, निकल जाओ। अच्छी तरह साफ करो, अगर आपको बोलना है अच्छी तरह साफ करो तो क्या बोलेंगे, क्लीन प्रॉपरली, क्लीन प्रॉपरली। क्लीन मतलब होता है साफ करना, प्रॉपरली मतलब अच्छी तरह से। अच्छी तरह साफ करो, क्लीन प्रॉपरली। मत जाओ, डोंट गो, मत जाओ, डोंट गो। मत भूलो, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, मत भूलो। इसे मत तोड़ो, डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट, इसे मत तोड़ो। मुझे मत सताओ, मुझे मत सताओ, डोंट टेस्ट मी, डोंट ट्रस्ट मी, मुझे मत सताओ। नेक्स्ट और लास्ट आपका सेंटेंस है फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, तो क्या बोलेंगे, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। तो ये थे आज के हमारे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हमें डेली यूज़ करने पड़ते हैं अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस पसंद आए होंगे, और 2-3 बार आप ये वीडियो देखिए जिसमें सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं कि अगर आपको बोलना, अगर आप स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं तो इन सारे सेंटेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारे सेंटेंसेस को आप याद कर लीजिए और अपने
बोलचाल की भाषा में इनको उतारिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी बनने स्टार्ट हो जाएगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।